अलवर के भगत सिंह चौराहे पर शहर में बिगड़ती पानी की समस्या को लेकर 8 दिनों से चल रहा भाजपा का धरना शुक्रवार दोपहर को समाप्त हो गया। शुक्रवार को एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा, एडीएम सिटी उमेदीलाल मीणा व एडीएम द्वितीय कमल राम मीणा सहित एसडीएम योगेश डागुर और जलदाय विभाग के तीनों अधिकारी धरना स्थल पहुंचे और धरना दे रहे शहर विधायक संजय शर्मा और जिलाध्यक्ष संजय नरुका से बैठकर वार्ता की गई, जिस पर उनकी मांगों का जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन उन्हें दिया गया। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। अलवर शहर की पेयजल व्यवस्था की जो बिगड़ी हुई पेयजल व्यवस्था थी उसके विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष संजय नरुका जी के नेतृत्व में हमारे तमाम पार्षदगण, हमारे आचार्य ग्रुप से जुड़े हुए कार्यकर्तागण और आम जन जिस प्रकार का समर्थन अलवर शहर की जनता ने इस धरने पर आके दिया, जो पीड़ित पक्ष था पानी से जो परेशान थे उन्होंने आके यहाँ दिया, हमारे पार्षदों ने दिन रात यहाँ रह करके इस धरने को सफल बनाया। सबसे पहले तो मैं आप सबको, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे पार्षदगण को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से अलवर शहर की जनता को जिन्होंने यहाँ आकर के हमारा संबल बढ़ाया और आज उसी का परिणाम है कि आज प्रशासन यहाँ लगातार बात करने आ रहा था। जो मोटी मोटी जो बातें थी कि प्रतिदिन पानी शहर को मिले, जो जिस क्षेत्रों में एक दिन छोड़ के एक दिन दौरे थे उसमें विभाग द्वारा ये कहा गया है कि बहुत सारी जगह बोरिंग होनी है, उस व्यवस्था को सुधार कर रहे हैं और 2 माह के अंदर अंदर वो प्रतिदिन पानी जहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, 2 माह के अंदर अंदर प्रत्येक उस घर में जहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है वहाँ 2 माह के अंदर अंदर प्रतिदिन पानी देने का काम विभाग शुरू कर देगा। उसके साथ साथ जो प्रस्तावित बोरिंग थी बुर्जा वाली, जो 5 बोरिंग ड्राई हो गई थी उसको लेकर के भी इन्होंने प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजे। उसके अतिरिक्त 2 या 3 बोरिंग ढाई पैडी पर क्षेत्र की जो कालक और हिस्सा की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको लेकर के भी इन्होंने प्रस्ताव भेजे। उसके साथ साथ जो 35 बोर यहाँ हुए थे जिसमें से बहुत सारी बोरिंग हो चुकी, कनेक्शन अभी तक नहीं होकर चालू नहीं हुई थी, उनमें 5 इन्होंने बोरिंग चालू कर दी है और बोरिंग चालू करके बहुत शीघ्र व्यवस्था सुधारेंगे। जो मेन क्राइसिस वाला स्थान था जब बहुत ज्वलंत हाहाकार मचा हुआ था पानी का, दीवान जी का बाग, प्रताप पल्टन, दिल्ली दरवाजा, ब्रह्मचारी मोहल्ला वार्ड नंबर 20, कुटी खेल, मीनापाड़ी ओब्लिक मीनापाड़ी, यहाँ 5 बोरिंग के प्रस्ताव इन्होंने सरकार को भेजे थे जो स्वीकृत होकर के आ गए हैं। शहर में पानी की व्यवस्था को सुधारने का काम किया है और 15 दिन के अंदर अंदर जो शेष व्यवस्था है जहाँ क्राइसिस है उनका ये कहना है कि हमें 15 दिन का समय दे दिया जाए, जो शेष नलकूप खुद चुके हैं और जो सिस्टम से जोड़ने हैं उनको जोड़ करके हम इस व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से कर देंगे। और इसके साथ साथ जो प्रतिदिन वाली मांग थी उन्होंने 2 माह का समय मांगा है, अमृत जलम की जो बात मैंने आपको बताई थी, इन सब बातों को लेकर के आज हमारे पास एडीएम प्रथम, एडीएम सेकंड, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम, साथ साथ हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर, एससी और एक्शन साहब, ये 6 अधिकारी या 7 अधिकारी मौके पर आए थे। लगभग 1 घंटा उनसे बातचीत भी हुई है और लिखित में सारा वो जो बात इन्होंने करी है, जो इन्होंने 8 दिन के अंदर इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है, आने वाले समय में जो इनकी कार्य योजना है वो आज इन्होंने लिख के दिया है। उसके बाद यहाँ जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण जो कुछ क्योंकि बहुत सारे लोग समस्याग्रस्त क्षेत्र से भी आए हुए थे उन्होंने भी अपने विचार रखे, हमारे पार्षद ने विचार रखे और जिलाध्यक्ष जी ने फिर सबसे बातचीत करके इन सबकी सहमति से आज धरना समाप्ति की घोषणा करी है और जो समझौता है वो हमको लिखित में देखे गए हैं। इसके साथ साथ जो ये समझौता हुआ है जो जलदाय विभाग ने लिख के दिया है उस पर जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से जो तीनों एडीएम साहब पधारे थे उन्होंने ये कहा है कि हर सप्ताह सोमवार को जल की रिव्यू के लिए जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है, तो जो भी प्रस्ताव आज इस पर जलदाय विभाग लिख के दे गया है वो प्रत्येक सोमवार को इस पर रिव्यू होगा और प्रशासन खुद इस पर मॉनिटरिंग करके शीघ्र अतिशीघ्र शहर की व्यवस्था किस प्रकार से सुधरे उसके लिए वो काम करेंगे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता आदित्य शर्मा ने बताया कि पानी की समस्या के समाधान के पूरे प्रयास किए जाएंगे, नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, कुछ ट्यूबवेल स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। पानी की डिमांड शहर में काफी बढ़ गई है, आम जन को भी पानी का सदुपयोग करना चाहिए, इस पर भाजपा के नेताओं को समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। वहीं एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा ने कहा कि 8 दिन से चल रहे धरने को समाप्त कराया गया है, धरना दे रहे भाजपा के नेताओं से समझाइश की गई और उनको पूरे शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था के बारे में बताया गया, लाइन ठीक करने का कार्य जल्द पूरा करवा कर नए ट्यूबवेल भी लगवाए जाएंगे। 8 दिन से अलवर के शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पानी की व्यवस्था को लेकर धरना दिया जा रहा था
उस धरने पे पीएचईडी वाले जो ऑफिसर्स हैं उन सबसे डिस्कस किया, वार्ड वाइज उनसे चर्चा की गई और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए इनसे बताया गया कि हम लोग ये राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग ये सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, ट्यूबवेल है, जैसे पाइपलाइन है, अमृत योजना है, तो उसमें जो काम बाकी है जिन जिन कॉलोनियों में उन काम को पूरा कराने का इनको सहयोग दिया गया। और ये भी हर वार्ड में जहाँ भी ये जाएंगे, तो हमारे पीएचईडी के ऑफिसर्स हैं, वो जाएंगे, वो जाके इनसे संपर्क करेंगे, जहाँ जहाँ जो समस्याएँ आ रही है, जैसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए कई बार नल है या पाइपलाइन है, छोटे से पाइपलाइन रह गए, उनके लिए वहीं मौके पर सुधार हो जाएगा। बाकी जहाँ पर नए ट्यूबवेल होने और नई कनेक्शन होने, उसके लिए समय मांग कर और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।